एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हिस्ट्री सेक्शन का 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, जो आपके पेपर में कई सालों से ना बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, ये क्वेश्चन आपका आंसर तो लॉन्ग होगी क्योंकि आपको 5 मार्क्स मिलने वाला है। लेकिन आशा करते हैं कि अगर सही तरीके से वीडियो को अगर अच्छे ढंग से देखते हैं, वादा करते हैं, दिल से कहता मेरे लाल कि आपको रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, ना आपको लिखने की आवश्यकता होगी। बस हाँ, सुनते समय बिना स्किप के आपको सुनते रहना है। और ये जो क्वेश्चन मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन मान के चलिए 2010 से लेकर अभी तक 2023 तक जितना बार अभी तक एग्जाम हो चुकी है जैक बोर्ड में, सारा क्वेश्चन जो है ना बार बार जो रिपीटेड किए गए, मैं ओनली फॉर लेकर आया 5 मार्क्स वाला, ठीक है। तो 5 मार्क्स में जो बार बार क्वेश्चन रिपीटेड किए गए, एक एक क्वेश्चन को मैं आज आपके सामने बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट में सर हम लोगों को 5 मार्क्स का क्वेश्चन करवा देते हैं, तो बिल्कुल आप लोग जल्दी से कॉमेंट करें। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जितना ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूलेगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को क्वेश्चन पे आते हैं सर, कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो कई सालों से बार बार रिपीटेड होती है, ये कॉमन क्वेश्चन है। समझने के लिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, और अंदर में अगर पेशेंस नहीं है ना तो वीडियो को छोड़ दीजिए, दूसरा जाके वीडियो देखिए, रील से देखिए, ये शॉर्ट से देखिए, या दूसरा चैनल पर जाकर आप छोटे छोटे वीडियो को देखिए। अगर हमारे चैनल पर आकर स्टडी करेंगे ना, दावा के साथ कहता हूं मेरे लाल, चैलेंज करता हूं, अगर 25 तरह से शुरू से लेकर अंतिम पोजीशन तक वीडियो को सही ढंग से ईमानदारी पूर्वक अगर देखते हैं तो रट्टा लगाने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, कभी नहीं होगी, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता की चर्चा करें, भारतीय संविधान के क्या क्या विशेषताएं हैं इसके प्रमुख चर्चा करना है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है, ऐसा क्या खासियत, क्या खास बात है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, भारत के संविधान की क्या क्या विशेषता है, खूबियां हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, भारत के संविधान को विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भारत का संविधान अगर हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कहते हैं तो इसका महत्वपूर्ण स्थान तो होनी चाहिए ना, तो महत्वपूर्ण स्थान है। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, मतलब संविधान जो निर्माण किए थे वो अलग अलग लोगों ने मिलकर ये संविधान का निर्माण किया था, तो अलग अलग लोगों द्वारा क्या क्या विशेषताएं हैं एक एक समझिएगा। पॉइंट नंबर 1, भारतीय संविधान दुनिया की सबसे बड़ी लिखित एवं निर्मित संविधान है। पहला पॉइंट, भारत दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और ऊपर से लिखित संविधान है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर, फिर से एक बार लाउडली में बोल रहा हूं, समझिएगा। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और यह एक लिखित संविधान है। पॉइंट नंबर 2, भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय प्रणाली व्यवस्था लागू किया गया था। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली व्यवस्था लागू किया गया था। यह संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है, तो याद रखिएगा संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। याद रखिएगा हमारे संविधान में संसदीय प्रणाली जो है ना ब्रिटेन से लिए गए। आप सभी को अच्छी ढंग से पता होगा कि भारतीय संविधान अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ लिए गए। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए, आपातकाल की स्थिति जर्मनी से लिए गए, संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से लिए गए, राज्य के संघ सूची राज्य सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए गए, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिए गए। ठीक इसी तरह से भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान के माध्यम से हम लोग जानते हैं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। चलिए, भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था लागू किया गया। पॉइंट 3, संविधान ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतांत्रिक देश घोषित किया है। मतलब भारत का जो संविधान है ना वो सिर्फ समाजवादी नहीं है, सिर्फ वह गणतंत्रात्मक नहीं है, सिर्फ वह राजतंत्रात्मक नहीं है, समझेगा, वह लोकतंत्रात्मक है, डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी है। भारत संविधान ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष, मतलब भारत का अपना कोई, भारतीय संविधान में बताएगा कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। अगर मैं मुस्लिम हूं मैं हिंदू धर्म को एक्सेप्ट कर सकता हूं, मैं हिंदू हूं तो मैं मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट कर सकता हूं, और क्या प्रचार प्रसार भी मैं कर सकता हूं, ये हमारे संविधान में हमें स्वतंत्रता दी है। ये हमारे लोग डिस्कस किए पॉइंट नंबर 3 में। आदि सर पॉइंट नंबर 4, अब एक एक पॉइंट को समझिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी ऑलरेडी मैं बता दूं ताकि आपके माइंड में धंस जाए। भारतीय संविधान में नमनीयता अर्थात लचीलापन एवं अनियमितता दोनों का अद्भुत मिश्रण है। मतलब भारत का संविधान उतना कठोर भी नहीं है,
जितना अमेरिका का है और उतना लचीला भी नहीं है जितना ब्रिटेन का है। मतलब भारतीय संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर। ये कठोर दोनों ही शब्दों का क्या है, मेल मिश्रण है। भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4-5 भारतीय संविधान ने भारत को संघात्मक एवं एकात्मक राज्यों के गुणों से युक्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट है संघात्मक और एकात्मक। भारत ने संविधान ने भारत को संघात्मक, सभी राज्यों को संघात्मक मतलब संघ में रहना, भारत के सभी राज्यों को संघ में रहने का अधिकार दिया एवं एकात्मक राज्यों को गुणों से युक्त किया। और एकात्मक जो एकात्मक सरकार होती है ना, एकात्मक सरकार मतलब अगर हम झारखंड में हैं तो सिर्फ झारखंड के लोग, सिर्फ हम लोग जो चाहेंगे हम लोग मन मार्जी करते रहेंगे, ऐसा तो हम लोग कभी नहीं है। हम लोग कुछ भी उल्टा फुल्टा बोलते हैं, हमें गिरफ्तार करके दिल्ली का पुलिस और दूसरा राज्य का पुलिस हमें पकड़ कर लेकर चले जाते हैं, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। इस तरह से भारतीय संविधान जो है ना संघात्मक है, भारतीय संविधान जो है संघात्मक व्यवस्था पर चलती है ना कि एकात्मक व्यवस्था पर। पॉइंट 6 पे आते हैं, संविधान नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की व्यवस्था करता है। भारत जो है, भारत का जो संविधान है, भारत का जो याद कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान जो होती है नागरिकों के अधिकारों, नागरिक का जो भी अधिकार होती है सिटीजनशिप, नागरिक का जो भी अधिकार होती है राइट्स होती है, कर्तव्यों की व्यवस्था करता है। संविधान ने नागरिकों के जनप्रतिनिधित्व के चुनाव के लिए व्यवस्थित मत अधिकार प्रदान किया है। मतलब भारतीय संविधान में एक ऐसा आयु निर्धारित किया है जिसमें बताया गया है कि भारत के वयस्क मत अधिकार, जिसमें हम लोग वोट डाल सकते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का। हम लोग तो राज्यसभा में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि हम लोग उसका लायक नहीं है, याद रखिएगा। हम लोग लोकसभा में वोट डाल सकते हैं जो अभी हम लोग का होने वाला है, ठीक है। ये भी हमें अधिकार दिया, ये भी हमारे संविधान की विशेषताएं होती है। क्योंकि देखिए ये संविधान, आप लोग सोचते होंगे ये विशेषता कैसे रहा, क्योंकि देखिए जब दूसरे देशों में बात करूं, थोड़ा सा सऊदी अरब अगर मैं लेके चलूं आप लोगों को, तो सऊदी अरब में ना वोट होती है लेकिन इस तरह से वोट नहीं होती जिस तरह से भारत में होती है। क्यों, वहां पर राजतंत्र, अगर हम राजा है तो हम ही बनेंगे, ठीक है। वहां पे इस तरह से सिचुएशन चलती आ रही कई सालों से। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, याद रखिएगा संविधान लोक कल्याणकारी संविधान है। भारत का संविधान, याद रखिएगा भारत का संविधान लोक कल्याणकारी संविधान है। भारत का संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की व्यवस्था करती है। अल्पसंख्यक मतलब जैसे हो गया सर SC ST। भारतीय संविधान में, भारत का जब संविधान गठन हो रही थी उस समय बताया गया था कि भारतीय में संविधान में यह नियम लागू किया जाए कि जो भी व्यक्ति SC और ST के अंतर्गत आते हैं उसे विशेष रूप से अवसर प्रदान किया जाए, उसको अलग से दर्जा दिया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पॉइंट नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में न्यायपालिका और संसदीय सर्वोच्चता दोनों का समन्वय बनाया गया है। पॉइंट नंबर 11 पे आते, संविधान ने सीमित शक्ति पृथकों के सिद्धांत का स्वीकार किया है। क्या क्या है समझेगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। 11 नंबर, संविधान ने सीमित शक्ति, याद रखिएगा लिमिटेड पावर, पृथकीकरण के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। भारतीय संविधान ने भारत में विविधी का शासन स्थापित किया है। पॉइंट नंबर 13, भारत का संविधान विश्व शांति का समर्थन करता है। और भारत का जो संविधान है यह बिल्कुल क्या है, याद रखिएगा भारतीय संविधान, याद रखिएगा क्या है, ये तो विश्व को शांति स्थापित करने की कोशिश करते हैं। यह रहा सर भारतीय संविधान का निम्नलिखित विशेषताएं। और मैंने इससे पहले ना और एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताया था भारतीय संविधान के बारे में, जहां पे मैंने आप लोगों को चार पॉइंट बताया था बेहतरीन तरीके से, उनको भी एक बार अच्छे ढंग से देख लेना है। अगर आप लोग चाहते सर एग्जाम से पहले हम लोगों का हर एक सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन होना चाहिए, अगर आप लोग चाहते हैं सर कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का क्विक रिवीजन होना चाहिए, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में दबा करके कमेंट करना ना भूलिएगा। ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 2000 यकीन नहीं होगा PYQ उठा के देखिएगा एक बार, ठीक है। हो सके मैं झूठ बोल रहा हूँ, 2020 2022 और 2023 का पेपर एक बार उठा कर देखिए, कंटिन्यू 3 साल से पूछे जा रहे हैं। याद रखिएगा वो क्वेश्चन क्या है, तो बताएंगे कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक थे। कैसे, कृष्णदेव राय जो है ना विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे, हम सभी को अच्छी तरह से पता है, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, पूरे साल भर से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो महान शासक थे, पर कैसे, किस कारण से, उन्होंने ऐसा क्या काम किया था जिस कारण से हम लोग उनको महान शासक के अंतर्गत रखते हैं, तो चलिए देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। हम लोग, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको दिखने में सुविधा हो। चलिए आते हैं तुलु वंश के कृष्णदेव राय 1509 से 1529 विजयनगर के महानतम शासक थे। कब से कब तक, 1509 से 1529 तक, लगभग 20 साल मान के चलिए।
कहा गया कि तुलु वंश, देखिये साम्राज्य में तुलु वंश, आर्विड वंश था ना सर, ये सब वंश था, चार वंश था। तो ठीक, यहाँ पे आपसे पूछा गया ना कि तुलु वंश के कृष्णदेव राय विजयनगर के महानतम शासक थे, इन्हें महानतम कहे जाने का निम्नलिखित कारण थे। अगर हम लोग विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय कहेंगे तो कुछ तो होगा ना मेरे भाई, उनका क्या क्या इसकी विशेषता थी समझेगा। इनके शासनकाल की सर्वप्रमुख विशेषता विजयनगर साम्राज्य का विस्तार और उसका सुदृढ़ीकरण था। मतलब जब तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय जब शासन करने लगे तो उन्होंने विजयनगर के साम्राज्य को दिन प्रतिदिन फैलाते चले गए। क्या किए? फैलाते चले गए, मतलब बड़ा करते चले गए। विजयनगर साम्राज्य का विस्तार किया, बड़ा सा एक क्षेत्र बनाया और उसका सुदृढ़ीकरण किया था। और क्या क्या था सुदृढ़ीकरण क्या था? लोगों को पीने के लिए कुआं खोद दिया था, नलकूप लगा दिए गए थे, किसानों को खेती करने के लिए, खेत के लिए अनाज उत्पादन के लिए, फसलों के लिए बीज प्रोवाइड किए करते थे। कौन? तो विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट टू, इनके शासनकाल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र रायचूर द्वाब हासिल किया गया था। समझिएगा, ये जो हम लोग दो चीज देख रहे हैं ना, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी, ये दो चीज जो है ना पहले विजयनगर साम्राज्य में नहीं था, लेकिन जब शासक बना कृष्णदेव राय तो उन्होंने दोनों को मिला लिए, इस कारण से भी इनको महान कहे जाने का एक प्रमुख तथ्य थे। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट टू है, इनके शासनकाल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के जो बीच का क्षेत्र है रायचूर और द्वाब हम लोग जिसे कहते हैं का हासिल किया। पॉइंट नंबर थ्री, उड़ीसा के गजपति शासकों का दमन किया गया, आज जो उड़ीसा के जो गजपति शासक थे उनका पूरी तरह से उन्होंने दमन कर दिया था। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया। जो बीजापुर थे, याद रखिएगा, जो बीजापुर के सुल्तान थे ना, सुल्तान उस समय, जैसे अभी हम लोग मान के चले प्रधानमंत्री का सर्वोच्च नजर, हम लोग ऊंचे नजर से देखते हैं, ऊंचे मतलब देखते हैं कि हमारे देश का सबसे बड़ा शान उसी के पास होती है, ठीक है। तो उस समय ना क्या होता था, सुल्तान हुआ करता था, कब? 1336 ईस्वी से पहले और उनके थोड़ा से बाद में। तो विजयनगर के सुल्तान को बुरी तरह से पराजित कर दिया गया, किसने? तो बताएंगे सर, कृष्णदेव राय ने। पॉइंट नंबर फाइव में आते, दक्षिण भारत के भाई मंदिर निर्माण, देखिए उन्होंने जो हम लोगों का जो कृष्णदेव राय है ना, इनका महान कहे जाने का सबसे बड़ा दो चीज़ था, वो जन कल्याण के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को सुविधा देते थे, प्रोवाइड करते थे, जैसे लोगों को मंदिर बना देते थे, कुआं खोद देते थे, खान पान जिनको जो गरीब थे उनको मदद करते थे, तो ये था उनका महान कहे जाने का कारक। तो फिर भी हम लोग देखते हैं अभी, दक्षिण भारत के भव्य मंदिर निर्माण तथा मंदिरों में गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव राय को जाता है। आप बताएंगे सर ये गोपुरम क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं, और गोपुरम कोई छोटा छोटा द्वार नहीं था, बड़े बड़े द्वार थे जिस पर क्या कहते हैं हाथी भी जो है ना अंदर घुस जाते थे, इतने बड़े बड़े द्वार थे। याद रखिए, इसलिए कहा जाता है, बार बार हर साल क्वेश्चन आते हैं कि गोपुरम का अर्थ क्या होता है, गोपुरम का अर्थ होता है मंदिरों के प्रवेश द्वार को कहते हैं हम लोग गोपुरम, ठीक है। तो यही सब जोड़ने का, जो गोपुरम का अलग अलग द्वार थे उनको जोड़ने का काम जो था ना, याद रखिएगा, कृष्णदेव राय को ही था, इसी कारण से हम लोग उनको महान शासक के नजर से जानते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, कृष्णदेव राय ने अपने माँ के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुर नामक एक उपनगर की भी स्थापना किया। जो कृष्णदेव राय है उन्होंने अपने मम्मी के नाम से, बहुत अच्छा बात है, हमेशा कुछ ऐसा काम करें कि आपके मम्मी फादर के कारण, मान लेते हैं कि एग्जांपल में बता दूं कि कहीं भी ऐसा जगह आप खड़े हैं जहां पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग पानी, गर्मियों के दिनों पानी से तरस रहे, बस आप इतना अपने आप में इतना इन्वॉल्व करें सक्सेस होने के लिए, जब आप सक्सेस हो जाएंगे वहाँ पर सोचना ना पड़े कि हम इस एक चापाकल अपने माँ के नाम से यहाँ पर गाड़ देंगे तो सारा बस्ती का भला हो जाएगी। तो उस समय जो भी पानी पिएंगे ना, याद रखिएगा, हमेशा दुआ करेंगे आपके लिए कि अरे फालना के बेटे ने ये फालना के नाम से कुआं खोदा है, चापाकल गाड़ दिया है और इससे हमारे पूरे गांव की भरपाई हो रही है, हम लोग गांव की सुविधा हो रही है, हम लोग प्यासों के लिए तरस जाते थे, आज हमारे यहाँ पे मीठे पानी निकल रहे हैं, हमें से करना चाहिए अच्छी काम है, ठीक है, समझिएगा। तो ठीक उसी तरह से कृष्णदेव राय जो थे उन्होंने क्या था, कृष्णदेव राय ने अपने माँ के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक, कहाँ पे, समझिएगा, नगलपुरम नामक एक उपनगर को भी स्थापना किया था। अगला पॉइंट देखते हैं सर, ये सब इनका विशेषता था किसका, तो विजयनगर
विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय का महान कहे जाने का। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इसके शासनकाल में राज्य हमेशा सामरिक रूप से मजबूत रहा। जब विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय थे उस समय सभी लोग ना ये डॉन नहीं थे, एक तरह का डॉन नहीं था वो। देखिए आप लोग जो बार बार सोचते हो ना कि ये तब अपने जमाने में डॉन था, नहीं डॉन नहीं था, लेकिन वो इस तरह से अपने आप को बनाए रखे थे कि लोग इससे डरते थे। और डरने से नहीं बल्कि वो क्या करते थे, लोगों को सेवा भी करते थे। कुआं खोद दिया, मंदिरों का निर्माण कर दिया, किसी का अगर आवास नहीं है तो आवास बना दिया। इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए जिस कारण से उन लोगों को उन्हें आज भी लोग महान शासक के रूप में जानते हैं विजयनगर साम्राज्य का, ठीक है, जिस तरह से हम लोग अकबर को जानते हैं। तो इसके शासनकाल में राज्य हमेशा सामरिक रूप में मजबूत रहा, हमेशा मजबूत रहे जब तक वो थे। 1509 से लेकर 1529 तक, ये 1509 से लेकर 1529 तक जब तक वो थे तब तक बहुत ही मजबूत था उनके शासक मतलब विजयनगर, तथा राज्य में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी हुई। और दिन प्रतिदिन जब तक थे वो 20 साल के अंतर में लोगों में काफ़ी प्रसन्नता थी, खुशियाँ थी। ये था उनके महान कहे जाने का एक एक कारण, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको सारा चीज बेहतरीन ढंग से यहाँ पे समझ में आ गया। और इस क्वेश्चन को ना मेरे लाल, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान पे रखिए, ये जो मैं अभी क्वेश्चन बताया ना इसको हल्के में नहीं लेना है। ये क्वेश्चन 200% आपके फाइनल एग्जाम में छपेगी, 200% लिख के रख ले। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था 1857 की क्रांति के बारे में, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना करें, 1857 की क्रांति क्यों असफल हो गया था, 1857 की क्रांति का क्या परिणाम था, तीनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का छपेगा। हाँ मेरे लाल, 5 मार्क्स का आपके पेपर में छपेगी, पर डिपेंड करता है आपको पढ़ना है या नहीं। पॉइंट नंबर आते हैं सर क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का क्या क्या विशेषता है इसके बारे में हम लोगों को चर्चा करने के लिए कहा गया, तो चलिए हम लोग भी चर्चा करते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो इसके बारे में भरपूर आइडिया है, क्योंकि हम लोगों का हिस्ट्री का तो पहला टॉपिक यही हम लोग डिस्कस किए थे। बहुत ईजी है, समझाने की कोशिश करते हैं, बस सुनना है, कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनकर अच्छे ढंग से अपने माइंड में सेटअप कर लेना है, फाइनल एग्जाम आए तबड़तोड़ एकदम लिखकर आ जाना है। चलिए सर देखते हैं, भारत के प्रसिद्ध पश्चिम उत्तर भाग। अब पश्चिम उत्तर क्या, देखिए इसको हम लोग दो कैटेगरी डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग पूरब बोलते हैं, पूरब पश्चिम, और इसको हम लोग उत्तर दक्षिण बोलते हैं, ठीक है। ये उसको हम लोग पूरब, ये पश्चिम हो गया, ठीक है, पश्चिम हो गया। तो आपसे पूछा गया ना कि प्रसिद्ध पश्चिम उत्तर, तो ये पश्चिम क्या हो गया, पश्चिम उत्तर मतलब इस एरिया पे जो हम लोगों का हड़प्पा सभ्यता थी वो किस एरिया में थे, सर पश्चिम उत्तर। तो ये यहाँ पे आंसर में आपको ये याद रखना होगा कि भारत के प्रसिद्ध पश्चिम उत्तर भाग में विकसित हड़प्पा सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब क्या क्या विशेषताएं हैं एक एक करके हम लोग डन करते हैं। पॉइंट नंबर वन, यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। पॉइंट नंबर वन, यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी। सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, समझिएगा। यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो चीज याद रखिएगा सबसे प्राचीन सभ्यता है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको मानते हैं। किनको बताएंगे, हड़प्पा सभ्यता को। पॉइंट नंबर टू, इस सभ्यता के लोग कांसा बनाने की कला में निपुण थे, मतलब कांसा जो होते ना कांसा याद रखे, उनको बनाने में काफी रुचि रखते थे, निपुण रखते थे, जबकि विशेष भारत ताम्रपाषाण युग में जी रहा था। बाकी जो भारत है ना, भारत थोड़ा भारत के मैप समझिएगा, मान लेते भारत है तो यहाँ के लोग जो ना यहाँ के लोग तांबा याद रखे सॉरी कांसा क्या कांसा बनाने का निपुण रखते थे, लेकिन बाकी जो तीन जगह है पहला दूसरा तीसरा यहाँ तीनों पे ना याद रखिएगा सब तीनों एरिया किस युग में जी रहे थे, तम्र युग काल में जी रहे थे, तम्र काल के युग में जी रहे थे, याद रखिएगा। पॉइंट नंबर टू इसका विशेषता है, पहला पॉइंट हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए क्या, यह सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। पॉइंट नंबर टू था सर, इस सभ्यता के लोग कांसा बनाने की कला में निपुण थे, जबकि शेष भारत ताम्रपाषाण युग में जी रहा था। पॉइंट नंबर थ्री था सर हम लोग का, यह एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या है, एक नगरीय सभ्यता थी। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता एक तरह का देखा जाए तो क्या है, नगरीय सभ्यता का अंतर्गत हम लोग देखते हैं। पॉइंट नंबर फोर, इस सभ्यता के काल में नगर योजना अत्यंत उच्च कोटि की थी। इस सभ्यता के काल में, कौन सभ्यता के काल में बताइए, इस सभ्यता के काल में, हड़प्पा सभ्यता के काल में
नगर योजना अत्यंत उच्च कोटि की थी, मतलब नगर योजना क्योंकि वहां पे गांव तो नहीं थे ना, शहरी इलाके के रूप में वहां पे जाने जाते थे, कोटि की थी। आधुनिक नगर व्यवस्थाओं से मिलती जुलती साफ सफाई और सुविधाओं का प्रबंध था। जो हम लोगों का हड़प्पा सभ्यता है ना, याद रखिए कि इतना साफ सुथरा थे, उस जमाने की बात कर रहे हैं हम। सोचिए उस जमाने में के लोग नगर को इतना अच्छी तरह से साफ सुथरा रखते थे, साथ ही साथ नालियों को, नाली जो घर से गंदा पानी निकलते थे, नालियों को भी इतना साफ रखते थे कि लोग जब बाहर से आते थे तो कहते थे वाह क्या जगह बना के रखे हैं। आज हम लोग देख सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान में क्या हो रहा है। ठीक है, खैर उधर हम लोग नहीं जाना है। पॉइंट नंबर 5, इस सभ्यता के लोग मनोरंजन और क्रीड़ा कौतुक को जीवन का अभियांग मांग समझते हैं। मतलब इस सभ्यता के जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, वो मनोरंजन के लिए कभी ताश के पत्तियां खेला करते थे। आप भी करते हैं क्या? जहां से रहे आप? नहीं, आप नहीं खेलते ना? नहीं, मत खेलिए। देखिए, ताश के पत्ते खेलते थे, कभी कभी लूडो खेलते थे, मतलब मनोरंजन के लिए ना कुछ दिन प्रतिदिन खेलते जाते थे। इससे क्या होती थी, उनकी प्रसन्नता होती थी, खुशी होती थी, और एक लोग एक दूसरे से बात करने का बहाना ढूंढते थे। और यह सभ्यता इतना अच्छी सभ्यता थी, यह सभ्यता जब हड़प्पा सभ्यता की ऐसी सभ्यता थी कि लोग अगर घर द्वार को छोड़कर कहीं चले जाते थे तो वहां के घर को वह व्यक्ति ताला नहीं लगाते थे। खुद के अंदर इतना विश्वास होता था कि यहाँ पे हमारे घर पे कोई डाका नहीं डालेंगे। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता ना, हमें यही अच्छा लगता है उनका, कि घर द्वार को छोड़कर जो है ना वो क्या करते थे, चले जाते थे, लेकिन घर द्वार में कोई घुसते नहीं थे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अभी निकल कर, थोड़ा सा आप ज़्यादा नहीं 100 कदम आगे चल के देखिए, पूरा घर द्वार आपको बेच कर चला जाएगा। आप जब घुसेंगे तो बोलेगा अरे ककर घर घुसे रे तू, तो पागल लगे रे, ये तो घर द्वार तो बेच दे ली तू कहाँ घूर रही, तब आपको एहसास होगा, है ना। चलिए आते हैं सर अगला। इसका समाज अत्यंत सुखी समृद्ध और शांतिपूर्ण था, जो मैंने अभी बताया शांतिपूर्ण तरीकों से इन लोग जी रहे थे। कौन? हड़प्पा सभ्यता। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 6, इस सभ्यता के लोग धार्मिक विश्वासों पर आस्था रखते थे। मातृ देवी, पशुपति महादेव, लिंग पूजा और प्रकृति की उपासना करते थे। किसका उपासना करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग? तो बताएंगे सर, मातृ देवी, पशुपति महादेव और लिंग पूजा और प्रकृति पर उपासना करते थे। पॉइंट नंबर 7, इस सभ्यता के काल की मूर्ति निर्माण की कला उत्कृष्ट थी। यह विभिन्न प्रकार के औजार और हथियार भी बनाना चाहते थे, जानते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, वो लोहा को, पहले उनके लोहा के बारे में आइडिया नहीं था, लेकिन लोहा के अलावा मिट्टी, लकड़ी, तांबा, कांसा, पीतल, जस्ता, ये सब से ना वो तरह तरह के क्या बनाते थे तो औजार बनाया करते थे, हथियार बनाते थे। खेत में प्रयोग होने वाले कुदाल का भी ये लोग प्रयोग खुद से करते थे, खुद से बनाकर इनका प्रयोग वह खेती में करते थे। आगे लिखा है सर कि भवन निर्माण कला और रत्न आभूषण के निर्माण में भी निपुण थे। और जो हम लोग बड़े बड़े जो पहले जमा, अभी तो हम लोग थोड़ा नाक का नथिया आ गया, ठीक है, नाक का नथिया नहीं, पहले बड़ा बड़ा होता था, देखिएगा जब माला पहनाता था इतना बड़ा एकदम 50,000 रुपया का, है ना, अभी 50,000 उस समय नहीं था ना। तो क्या करते थे, ये सभी बनाने का ना निपुण रखते थे, इस सब बनाने का भी उनके अंदर में क्वालिटी था। किसका? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट है सर पॉइंट नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करने में भी निपुण थे। और हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, वो व्यापार में काफी इन्वॉल्व था, क्या था, व्यापार के अंदर में काफी ज्यादा वो टाइम देते थे, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम एशिया में, याद रखिए कहाँ पे, दक्षिण पश्चिम एशिया से व्यापार करते थे, दक्षिण पश्चिम एशिया से व्यापार करते थे। दिलमुलन और मगान, इनके दो व्यापारिक केंद्र बनाए गए थे, याद रखिए कहाँ पे, ओमान शहर का नाम सुने होंगे ना, ओमान, वहाँ, सॉरी शहर नहीं है, देश है ओमान। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना व्यापार में भी निपुण था, व्यापार का भी शौक रखते थे, शौक नहीं टैलेंट था, खुद के अंदर में क्या था, टैलेंट था। और ये दक्षिण पश्चिम एशिया से व्यापार करते थे, जहाँ पे इसको हम लोग दो केंद्र मानते थे व्यापार का, एक दिलमुलन और एक मगान जो ओमान में था। सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता यह की लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेषता में से एक विशेषता की अगर मैं बात करूँ तो वो विशेषता क्या है, तो लिपि है। क्या है? लिपि है, जो एक चित्र लिपि है जिसे अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती है। और वहाँ का एक विशेषता यह है कि लोग जब भी ना लिखते थे, देखिए पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहता है, अभिलेख कहलाता है, लेकिन उस समय ना पत्थरों पर लिखते तो ना ही
वह क्या करते थे, जमीनों पर लिखते थे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता यहाँ की लिपि है, यहाँ की लिपि जो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। पॉइंट नंबर 10 पे आते से, पॉइंट नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता की कई अर्थों में ना सिर्फ भारत बल्कि विश्व सभ्यता को एक महानतम देने। सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ भारत की सभ्यता नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक सबसे गर्वशाली हासिल करने वाली सभ्यता है। सबसे बड़ी सभ्यता के रूप में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग जानते हैं। पॉइंट अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। एक बात याद रखिएगा, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है, आंसर शायद मैं करवाया हूं या नहीं एक बार देख लीजिएगा। स्वतंत्र भारत में महात्मा गांधी का प्रमुख भूमिका का वर्णन करें। स्वतंत्र भारत में महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन के बारे में विवेचना करें। स्वतंत्र भारत में एक बार लिख लीजिए क्वेश्चन को, इसका आंसर कर लेना, क्वेश्चन आपका 100% आएगी। स्वतंत्र भारत में महात्मा गांधी के विभिन्न आंदोलनों के बारे में चर्चा करें। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो बहुत अच्छी बात है, लिखे तो और अच्छी बात है। ठीक है, समझिएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, सर भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। भारत छोड़ो आंदोलन क्या है समझिएगा, थोड़ा सा जूम कर दूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता, सॉरी हम लोग अभी भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को हुई थी। सोचिए कब हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1945, उससे 3 साल पहले ही हो गया था, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को हुई थी। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटेन साम्राज्य को समाप्त करना था। इससे पहले कई बार आंदोलन हो चुका है, असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट, जालियांवाला हत्याकांड कई बार हो चुका है, जैसे नील विद्रोह कई बार आंदोलन हो चुका है, डांडी मार्च, सत्याग्रह कई बार हो चुका है, लेकिन ये एक भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसे आंदोलन थी जिससे भारत लोग चाहते थे, सभी आंदोलन में तो चाहते थे लेकिन सबसे ज़्यादा अगर एक्साइटेड थे भारत से अंग्रेजों को हटाने का, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में ही था। ठीक है, इसलिए कह रहा है क्या, यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटेन साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया था। गांधी जी के एक आह्वान पर समूचे देश में यह आंदोलन एक साथ आरंभ हुआ। अब गांधी जी के आह्वान मतलब होता है कि गांधी जी के कहने पर, थोड़ा सा एक बार गौर कीजिएगा, यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस, मतलब ये जब ये आंदोलन जब चला रहे थे ना, तो गांधी जी कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में थे, तो समिति के मुंबई अधिवेशन में यह कहा गया था, एक अधिवेशन मतलब मीटिंग होती है ना, मीटिंग हो रही थी कांग्रेस पार्टी का कहाँ पे, मुंबई पे, तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम लोग अब भारत छोड़ो आंदोलन एक आंदोलन चलाएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग एक आंदोलन चलाएंगे 8 अगस्त 1942 को। तो सभी भारतीय लोगों को सहमत है और सभी भारतीय लोग मिलजुल कर हम लोग इस आंदोलन में भाग लेंगे। महिला भी कंधे से कंधे मिलाकर पुरुषों की तरह उन्होंने भी भाग लिया। चलिए हम डिस्कस करते हैं, तो महात्मा गांधी के समूचे मतलब होते सभी देशों में यह आंदोलन एक साथ आरंभ हुआ। यह भारत का तुरंत आजाद करवाने के लिए आरंभ किया, और भारत का तुरंत आजाद मतलब उतना दिन से तो हम लोग लड़ रहे थे लेकिन हम लोग को तुरंत आजादी चाहिए अब। ठीक है, तो अब जो अंग्रेज लोग थे उनको भी लगने लगा कि भारत छोड़ो आंदोलन अब शुरू होने वाला है और हम पे जमकर वार होने वाला है। ठीक है, समझिएगा अब क्या हुआ इसका परिणाम समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है परिणाम में क्या, भारत छोड़ो आंदोलन का क्या कारण था। भारत छोड़ो आंदोलन का पहले कारण देख लेते हैं, फिर हम लोग परिणाम पे डिस्कस करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों में एक क्रिप्स मिशन का पूरी तरह से असफल होना था। बर्मा में भारतीय के साथ किए गए दुर्व्यवहार, बर्मा मतलब म्यांमार में, आप देखिए अभी ना बांग्लादेश बन गया है, पाकिस्तान बन गया है, म्यांमार बन गया है, नेपाल बन गया है, उस समय सोचिए ना कि आज से 50-60-100 साल पहले सभी देश एक तरह का ना बिना बॉर्डर का आर पार मतलब आना जाना करते थे, तो उस समय क्या करते थे भारत लोग जो है ना म्यांमार में जाकर रहते थे। ठीक है, समझिएगा इस सेंटेंस को, समझने की कोशिश कीजिएगा। वर्मा में भारत के साथ किए गए दुर्व्यवहार से भी भारत के मन में आंदोलन प्रारंभ करने की तीव्र भावना जागृति हुई। अरे मेरे देश में रहकर, मेरा ही अनाज खाकर, मेरा ही धरती में रहकर, मेरे ही धरती से कपास की खेती करके और हमारे भारतीय लोगों से आप अत्याचार कर रहे हैं, ये हम लोग सह नहीं सकते हैं। तो महात्मा गांधी के साथ सभी भारतीय वासियों ने साथ दिए और भारत छोड़ो आंदोलन को एक्चुअली
जारी कर दिया गया, आंदोलन की शुरुआत कर दी गई थी। आगे लिखता है क्या समझेगा कि अंग्रेज सरकार भारती को भी द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित कर चुकी थी, परंतु अपना स्पष्ट लक्ष्य घोषित नहीं कर रही थी। ब्रिटिश सरकार की नीति से भारत की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी। जो विदेशी जो हम लोगों का आर्थिक स्थिति होती है ना, आर्थिक स्थिति जो किसान के होते हैं, फार्मर, जब इनकम करने का जरिया, तो इनकम करने के जरिए अब जो है ना भारत का अत्यंत खराब हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमण का भय भी भारतीयों को था। भारतीयों को लगता था कि यदि ऐसा हुआ तो अंग्रेज जापानी सेना का सम्मान नहीं कर पाएंगे। याद रखिए क्या बोल रहे हैं, समझेगा इस सेंटेंस को, कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी आक्रमणों का भय भी भारतीय को लगा रहता था। यथा जो ब्रिटेन वाले अंग्रेज वाले तो हमें दे ही रहे, टॉर्चर कर ही रहे, हम पे अत्याचार कर ही रहे, अब हमें ये भावना ना लगा रहे कि जापान वाले भी हम पे आके घुलट जाए। अब क्या होता है, समझिए, भारत को लगता था कि यदि ऐसा हुआ तो अंग्रेज जापानी सेना का सम्मान नहीं कर पाएंगे, और ऐसा लगने लगा भारतीय लोगों को, मतलब हम सभी को लगने लगा कि अगर जापान आकर हमारे पर हमला करेंगे तो फिर ब्रिटेन उनका सम्मान नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं सर, आगे क्या है आंदोलन का परिणाम क्या था, एक एक पॉइंट को आप समझिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का एक एक परिणाम क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम, पॉइंट नंबर वन, ब्रिटिश सरकार ने हजारों भारतीय आंदोलनकारियों को बंदी बना लिया था। अब जैसे ही शुरू हुआ ना भारत छोड़ आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, उसी समय बहुत सारे भारतीय लोगों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया बिना कारण आवास, मतलब उनको बताया ही नहीं कि आपने ये गलती किया जिस कारण से आपको उठा करके जेल भेजा जा रहा है, उठा करके वो लेकर चले जाते थे जेल। ब्रिटिश सरकार ने हजारों भारतीय आंदोलनकारियों को बंदी बना लिया था। इस आंदोलन के बाद अंतर्राष्ट्रीय जनमत इंग्लैंड के विरोध हो गया था। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन में जमींदार, युवा, मजदूर, किसान और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैंने अभी जस्ट बताया कि बच्चे भी इसमें भाग लेते थे, भारत छोड़ो आंदोलन में बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला, सब, किसान, मजदूर, युवा, जमींदार, सारे लोग मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते थे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आते सर, अगला हम लोग का पॉइंट क्या है, याद रखिएगा, पॉइंट नंबर नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति मुस्लिम लीग की उपेक्षा को देखते हुए लीग का महत्वपूर्ण महत्व अंग्रेजों को दृष्टि में बढ़ गया। अब देखते हैं कि अगर इस समय ही ना, अब क्या कर रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना कूटनीति शुरू कर दिया, बोल रहा है कि भारत के आज़ादी के ठीक हमें पहले हमें अलग देश बनाना है। अब यहाँ पे एक अंग्रेजों को लगने लगा, अच्छा ये अलग देश बना रहा है, मतलब इन्हीं में से अगर 100 व्यक्ति ने अगर भारत छोड़ो आंदोलन को शुरुआत की थी तो 10 से 15 व्यक्ति थे जो भारत छोड़कर, मतलब भारत के अलावा एक दूसरा देश बनाना चाहते, तो अंग्रेजों को लगने लगा कि अब अच्छा अब 100 में से 15 व्यक्ति जा रहे, मतलब इसका पार्टी धीरे धीरे कमजोर होने वाली थी, पर उस समय कमजोर नहीं हुई थी, समझिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन अभी तो चल ही रहा है, लेकिन भारतीय लोगों ने बोल दिया कि अब भारत स्वतंत्र, मतलब क्या हो रहा है, फ्रीडम होने वाले हैं, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन से अंग्रेज को यह व्यतीत हो गया कि यह उनका राज्य कोई नहीं चलाता, मतलब जो अंग्रेज लोग हमारे यहाँ पर आकर शासन करते थे, यह विदित हो गया कि यहाँ उनका राज्य कोई नहीं चला चाहता है, मतलब जो अंग्रेज लोग थे ना वो चाहते थे कि हमारे यहाँ पे हम उनके देश में आकर हम कब्जा करेंगे और हमारा देश हो जाएगा, लेकिन भारतीय लोग कभी नहीं चाहते थे कि ये देश हमारा है और वहाँ आके राज करेगा, लेकिन फिर भी उतना देर से कर रहे थे। लेकिन अब अंग्रेजों को भी लगने लगा था कि ये देश हमारा नहीं है, हमें छोड़कर यहाँ से जाना होगा। ये था हम लोगों का, याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, जो आपके पेपर में कितना मार्क्स का, 5 मार्क्स का आपके पेपर में छपेगी। मैं अभी आप लोगों को 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन में आप लोगों को बेहतरीन ढंग से प्रोवाइड किया हूँ। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को एकदम अच्छे ढंग से कर लेना है, क्योंकि 20 नंबर आपके पेपर में छपेगी लॉन्ग क्वेश्चन में। कितना क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन होगी, 20 मार्क्स का होगा, सही ढंग से लिखेंगे, अगर लिखने का तरीका आपका सही हो जाएगा तो 18 मार्क्स आपको इजीली से यहाँ पे मिल जाएगी। पर हाँ, लिखने का सही वेज होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। एग्जाम से पहले अगर आप लोग चाहते हैं सर, एक क्विक रिविजन होना चाहिए, क्या क्विक रिविजन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव का अलग, सब्जेक्टिव का अलग, मॉडल पेपर का अलग, सेलेक्टेड सेट का अलग, तो एक बार दबा करके कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिएगा। इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग चाहते हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन,
हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी से रिलेटेड, तो कमेंट करना ना भूलिएगा। क्लास देखने के बाद मैंने बताया था कि अगर अंदर में अगर आपका पैसेंस नहीं है, अगर आपका पैसेंस नहीं है तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको क्लास नहीं देखना है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो शुरू से लेकर अंतिम पोजिशन तक देखे हैं, एक बार जरूर अंदर से बताइएगा आपको कैसा फील हुआ है क्लास देखने के बाद। मैं कमेंट का आपको वेट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।